वेलकम टू फूड इज वेल, दिस इज खुशी जैन और आज मैं आपके लिए लाई हूँ रसमलाई बनाने की रेसिपी। जनरली लोग रसमलाई या छेना गाय के दूध से बनाते हैं, लेकिन हम उसे भैंस के दूध के साथ भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ टिप्स की जरूरत पड़ती है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रसमलाई बनाने की रेसिपी। मगर इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करें और घंटी आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रसमलाई बनाने की रेसिपी। रसमलाई बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 2 लीटर भैंस का दूध और 300 ग्राम शक्कर, 1 नींबू का रस, आधी चम्मच इलायची का पाउडर और केसर और पिस्ता के कुछ दाने। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध लेंगे और उसे बॉईल करने रख देंगे। हम उसे बीच में चम्मच से चलाते रहें ताकि उसमें मलाई ना पड़े। जब दूध बॉईल होने लगे तो उसमें नींबू का रस डालकर उसे फाड़ देते हैं और फिर से एक मलमल के कपड़े से या सूती कपड़े से छान लेते हैं। ये जो इसका बचा हुआ पानी है, इससे आप आटा गूंथ कर इसकी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बना सकते हैं। जो हमारा छीना है उसे एक बार हम साफ पानी से धो लेंगे, जो नींबू का खट्टास है उसमें से निकल जाए और फिर हम इसमें से एक्सेस वाटर को निकाल देंगे। हमें इसे पनीर की तरह बहुत देर तक हैंग करके नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज जो हमारे छेने हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं। हमारा जब एक्सेस वाटर निकल जाए तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब हम पहले चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ 250 ग्राम शक्कर मैंने एक पॉट में ले ली है और करीबन 1.25 ग्लास इसमें पानी डाल दिया है और इसे चलाते हुए इसकी चाशनी बना लेती हूँ। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। तो हमारा पनीर अभी हल्का गर्म है, हम अभी इसे मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। तो हम इसे हाथों की हथेलियों से मसलते हैं, 5 से 7 मिनट में ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ बफेलो मिल्क का यूज़ किया है, तो इसके लिए इसमें फैट एक्स्ट्रा हो सकती है, तो आप इसे कई बार टिश्यू पेपर से दबा लें ताकि जो एक्स्ट्रा फैट है वो टिश्यू पेपर में निकल जाए। तो हमारा डो बन के तैयार है, तो हम इसकी छोटी छोटी टिकिया बना लेते हैं। तो हाथों के बीच में इसे प्रेस करके इसकी छोटी छोटी टिकिया तैयार कर लेंगे। ऐसे ही सारी टिकिया हम बनाकर रेडी कर लेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके उसे चाशनी में डाल देते हैं और फिर उबलती हुई चाशनी में 8 से 10 मिनट के लिए इसे ढक्कन से ढककर पकने देते हैं। जो 1 लीटर दूध हमने बचाया है उसे रिड्यूस करने रख देते हैं और 1/4 होने तक उसे रिड्यूस होने देते हैं। देखिए रसमलाई साइज में 2 गुनी हो गई है, तो हम हीट को ऑफ कर देते हैं। दूध भी हमारा रिड्यूस होने लगा है, हमें इसे 1/4 होने तक रिड्यूस करना है। हमारे जो छेने हैं उसमें से एक्स्ट्रा चाशनी को हम निकाल देंगे, तो 2 चम्मचों के बीच रखकर हम इसे दबाकर एक्स्ट्रा चाशनी निकाल देते हैं। जो दूध हमने बॉईल होने रखा है उसे हमें हम इलायची का पाउडर मिक्स कर देते हैं और उसे रिड्यूस होने देते हैं। इसमें जब हमारा दूध पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाए, 1/4 बचे, तो हम इसमें शुगर डाल देंगे और शुगर घुल जाने पर इसमें जो हमारे छेने हैं बना के रखे हैं वो इसमें डालकर करीबन 10 मिनट तक इसे पकने देंगे ताकि जो दूध है वो इसमें अच्छी तरीके से भर जाए और ये इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से जब इसमें रस भर जाएगा तो हम इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे और केसर और पिस्ते के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। तो ठंडी ठंडी रसमलाई तैयार है, खाइए और खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।